हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्कॉलर एक्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेड कंपनी थी, जिस वक्त इंडिया में आई थी, तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन यही कंपनी इंडिया को जीत लेंगी और 200 सालों तक यहाँ पे राज करेंगी। खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी ऑफिसर ने भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ पे इंडिया को, पूरे इंडिया को जीत लेंगे। और ये इतना आसान भी नहीं था, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो गया कि एक कंपनी जिसकी अपनी फौज नहीं थी, कंपनी जो कमर्शियल एक्टिविटी किया करती थी, उनको फौज जो यूरोप का किंग है, ब्रिटेन का किंग है, वो प्रोवाइड किया करता था ताकि कोई ठगी, कोई लुटेरे, कोई पायरेट्स इनके जहाजों को ना लूट ले, प्रोटेक्शन के लिए वो फौज हुआ करती थी। और उस फौज के भी ऑलमोस्ट आधे ऑफिसर्स जो है वो ट्रेड किया करते थे, यानी सिविल वर्क किया करते थे, ऑफिशियल वर्क किया करते थे। तो ये है ना, ये कंपनी ने इंडिया को किस तरीके से जीत लिया? क्या यहाँ पर कोई पावरफुल किंगडम नहीं था, कोई ऐसा रूलर नहीं थे, कोई ऐसे स्टेट नहीं थे जो इनको टक्कर दे सके, या फिर कुछ ऐसी पॉलिसी थी इनकी ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जिसके वजह से इन्होंने यहाँ के स्टेट्स को हरा दिया? तो ऐसी क्या उनके अंदर क्वालिटीज थी, क्या उनके अंदर है ना उनकी पॉलिसीज थी, ऐसी क्या रणनीतियां थी, क्या उनकी पॉलिटिक्स थी जिसके वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के स्टेट्स को वन बाय वन हराते हराते है ना पूरे इंडिया को अपने हाथ में ले लिया था। सिर्फ इंडिया नहीं, बल्कि इंडिया से बाहर भी हम देखते हैं, अफगानिस्तान को भी एक वक्त है ना उन्होंने जीता था, सिंध जो आज आधा पाकिस्तान में है उसको भी जीत लिया था, ऊपर नेपाल, इधर ईस्ट के साइड में म्यांमार। तो ये सारे स्टेट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गए थे। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो हम देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम यही आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि 1757 के बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1849 तक जो इसकी कॉन्क्विस्ट की पॉलिसी रही है, जो अपने इन्होंने अपने जो यहाँ पे एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था, उसको किस तरीके से कंसोलिडेट किया है, कॉन्क्विस्ट किया है, उसी को हम आपको है ना डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है, बंगाल से शुरू करेंगे, बंगाल, मैसूर, मराठाओं को किस तरीके से हराया, और ये जो सिखों के साथ जो लास्ट में एक नॉर्थ वेस्टर्न साइड का एक स्टेट बना था, वो सारी चीजें हमें ना इसमें कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले बंगाल से, लेकिन बंगाल की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा हम ब्रीफली ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉन्क्विस्ट की जो पॉलिसी थी या उसका इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे देखेंगे। हमें ये ऑलरेडी पता है कि मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो रहा था, टूट रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, जिसके नतीजे में जो रीजनल स्टेट है वो इमर्ज हुए हैं, वो उभर कर आए हैं, जिसको हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, सक्सेसर स्टेट जिसमें बंगाल, हैदराबाद, अवध आ जाता है, न्यू स्टेट, और ऐसे हैं इंडिपेंडेंट स्टेट जिसमें मैसूर आ जाता है, न्यू स्टेट में मराठाओं का, राजपूतों का ये स्टेट आ जाते हैं। तो इन चीजों को हम है ना इमर्जेंस या फिर राइज ऑफ द रीजनल स्टेट में ये अलग से हमने पढ़ाया है, स्टार्ट ही में वहां पे हम कवर कर चुके थे। हमारा ऐसा मानना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस वक्त बंगाल जीता था, पलासी हुई थी और बक्सर हुई थी, तो इसके बाद जो दूसरे राज्य थे या दूसरे स्टेट थे उनके लिए एक खतरे की घंटी बज गई थी। अब उन्होंने है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ पावरफुल स्टेट मानना शुरू कर दिया था, या अपने लिए वो उन्होंने है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खतरे की अलामत समझना शुरू कर दिया था। तो इससे पहले वो इजी लिया करते थे उन्हें, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये अलग बात है कि बंगाल सबसे पहले उनके हाथ में आया है, या बंगाल ऐसा स्टेट था जो मुगल एम्पायर से सबसे पहले अलग हुआ था और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सबसे पहले हाथ में आया है, लेकिन ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपनी पावर है ना साउथ में पहले दिखा चुके थे ये। हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपसे कर्नाटक वार की।
क्योंकि कर्नाटक वार जिस वक्त इन्होंने लड़े थे तो उन्होंने है ना उनके जो कॉम्पिटिटर थे फ्रेंच उनको बाहर कर दिया था मैदान से, क्योंकि जो यूरोपियन थे यूरोपियन में सारे चले गए थे, बस एक बचे थे वो थे फ्रेंच। फ्रेंच को अलग करने के बाद उन्होंने है ना पूरी तरीके से इंडिया की ट्रेड पर अपनी मोनोपोली कायम कर दी थी। अब यहां से जो भी एक्सपोर्ट होता था यूरोप वो सिर्फ इन्हीं के हाथों से होता था, तो ये उनका एक बड़ा फायदा हुआ था कि अब उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर को खत्म कर दिया था। और उन्होंने जिस तरीके से जीता था, ये जो उन्होंने है ना जो अपनी रणनीतियां जो पॉलिसियां जो पॉलिटिक्स उन्होंने की है, तो ये शो करता है कि वो एक उनके जो गवर्नर थे या जो ऑफिशियल्स थे वो विजनरी थे। उन्हें पता था कि क्या क्या पॉलिटिक्स करना है, क्या डिप्लोमेसी करना है, या किस तरीके से अपनी फौज को है ना मैदान में लेकर आना है, किलों को जीतना है। तो ये चीजें उन्हें आती थी और उन्होंने है ना इंडिया के मैप से वो पूरी तरीके से अवेयर थे कि हमें है ना आगे किस तरीके से रीच करना है। तो हम बात कर रहे हैं कि सक्सेसर स्टेट में पहले बंगाल आया इनके हाथ में, फिर बाद में एक एक करके इन्होंने है ना आ, आ, सेव, 18, 49 तक पंजाब तक के हिस्से को, यानी हम देखेंगे पूरे इंडिया के मैप को इन्होंने चेंज कर दिया था। फिर बाद में 1850 में तो ये इंडिया के है ना सोल और सोवेरियन पावर बन गए थे, बस बाकी जितने भी स्टेट थे वो इन्हीं के अंडर में थे। तो ये एक पूरा टाइम पीरियड को हम इसी में आपको कवर करने वाले हैं या इसकी स्टडी करने वाले हैं, वन बाय वन है ना हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे। एक दो चीजें और भी जो आपके लिए जानना जरूरी है वो भी हम यहाँ पे आपको बताते हैं। वो ये कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने पहले तो है ना जो स्टार्ट में उनकी कॉन्क्विस्ट थी वो जैसे कि बंगाल और मैसूर, यहाँ पे यहाँ पे महाराष्ट्र में मराठाओं को हराना, ऊपर पंजाब में हराना, तो ये पहले इनिशियल जो उनके जितने भी कॉन्क्विस्ट थे तो वो उन्होंने है ना लड़ के जीता है, हरा के जीता है, अपनी फौज को मैदान में ला के जीता है। लेकिन बाद में हम देखते हैं जब पूरी तरीके से बड़े बड़े पावर को उन्होंने हरा दिया था तो बाद में फिर उन्होंने है ना अपने पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी ऑफ पेरामाउंटेसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये ऐसी चीजें हैं जिन्होंने जिनका इन्होंने अलग अलग टाइम पे इस्तेमाल किया है, यूज किया है, ताकि जो छोटे छोटे रीजनल पावर है या छोटे छोटे स्टेट है उनको किसी तरीके से अपने स्टेट में मर्ज कर दे या यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर में उसको है ना मिला दे। तो इनके बारे में भी हम आपको डिस्कस करेंगे कि सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी थी क्या, पॉलिसी ऑफ पेरामाउंटेसी क्या होती है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये क्या था और क्यों इन्होंने है ना इसको है ना यूज किया है। तो ये सारी चीजें हम आपको कवर करने वाले हैं। चलिए हम सीधा आते हैं हमारे टॉपिक पे, बंगाल सूबा या बंगाल स्टेट। तो कुछ यहाँ पे थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि जैसे कि बंगाल जो था बड़ा फर्टाइल और रिच प्रोविंस था इंडिया में, और उस वक्त है ना बंगाल से जो हम मीनिंग लिया जाते थे बंगाल के, उसमें देखो बांग्लादेश भी आ जाता था, कुछ पार्ट उड़ीसा का, या कभी कभी है ना पूरा उड़ीसा, या फिर बिहार का कुछ पार्ट, या पूरा बिहार को भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाता था। तो ये इतना बड़ा सूबा जो था वो बंगाल का था। इसकी जो है ना फेमस वहां पे जो इम्पोर्टेंट या फेमस जो वहां की चीजें थी उसमें कमोडिटीज जिसे कहेंगे हम टेक्सटाइल, सिल्क और सालपीटर। सालपीटर के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया हूँ आपको कि ये है ना इस वक्त तोपे बना करती थी तो उसमें यूज हुआ करता था। और यहाँ से जो एक्सपोर्ट चीजें होती थी बंगाल से, उसमें ये नीचे दिख रहा है आपको कि सालपीटर, राइस, इंडिगो, पेपर, शुगर, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, ये सारी चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करती थी। चलिए आपसे बात करते हैं बंगाल के सूबेदारों के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास बंगाल के सूबेदार हैं मुर्शिद कुली खान। ये मुर्शिद कुली खान बंगाल के पहले सूबेदार थे। पहले सूबेदार से हमारी मीनिंग ये है कि बंगाल जब ऑटोनॉमस बन गया था तो उसके पहले सूबेदार। इनके बारे में कुछ हमारे पास डिटेल है, जैसे कि हमको ये पता है कि ये साउथ इंडिया के ब्राह्मीण फैमिली से बिलोंग करते थे जो बाद में है ना ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। ये औरंगजेब के बहुत करीबी आदमी थे, औरंगजेब बहुत पसंद करते थे इन्हें क्योंकि इनके अंदर वो क्वालिटीज थी, उनका ये कैरेक्टर बड़ा अच्छा था, ये ऑनेस्ट थे, सिंपलिसिटी
को ये पसंद किया करते थे, सिंपल रहा करते थे, और अपने जो काम है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज है, उसके प्रति ये है ना बड़े रिस्पॉन्सिबल थे, सही काम किया करते थे और इफिशियंट और वक्त पे काम किया करते थे। तो इसलिए हम देखते हैं कि औरंगजेब ने इन्हें है ना बड़ी सी बड़ी पोस्ट फ्राहम की है, अता की है। तो बाद में फिर हम देखते हैं कि औरंगजेब ने ही इन्हें क्या किया था, बंगाल के एज अ सूबेदार अपॉइंट कर दिया था। पहले दीवान अपॉइंट किए थे बंगाल में, दीवान से मुराद है ना फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है जी। फिर बाद में एज अ दीवान उनको है ना उड़ीसा का भी दीवान बना दिया गया था, जो उड़ीसा और बंगाल करीब करीबी थे, ठीक है ना जी। फिर उसमें दीवानी में उनको है ना बिहार भी दे दिया गया था। तो तीनों का जो है ना 1700 से लेके 1700 तक, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों के ये एज अ सूबे एज अ ये दीवान थे, ठीक है जी, यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे। फिर और ये उस वक्त जो है ना, जिस वक्त औरंगजेब एम्परर थे, तो उस वक्त है ना बंगाल के सूबेदार अजीमो शान थे। तो ऐसा इवेंट हो गया था कि ये इनकी ईमानदारी की वजह से, इनके है ना ऑनेस्टी की वजह से, इनके और अजीमो शान की कुछ मामले पे जमती नहीं थी। तो अजीमो शान ने एक मरतबा ये किया था कि इनको है ना मारने की कोशिश की थी, हमला कर दिया था, लेकिन इन्होंने ये बच गए थे। और जब ये बच गए तो इन्हें पता चल गया कि मेरे जो हमले के पीछे जो जिम्मेदार है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो अजीमो शान है। तो इन्होंने औरंगजेब को एक लेटर लिखा था कि मेरे साथ इस तरीके से हादसा हुआ है। तो औरंगजेब ने ऑर्डर दिया था अजीमो शान को कि ये मेरा आदमी है, अगर से इसे कुछ भी, इसके बाल को भी बाका कुछ होता है, तो मैं तेरी है ना गर्दन पे छुरी रख दूंगा और तेरी गर्दन को काट दूंगा। तो बाद में हमें देखता है कि अजीमो शान ने इनका इस तरीके से देख रेख की है कि अपनी हिफाजत से ज्यादा वो इनकी हिफाजत किया करता था। औरंगजेब की डेथ के बाद चीजें बहुत सारी बदली हैं। जहां हम ये देखते हैं कि मुगल एम्परर एक के बाद एक बदले हैं, तो इस टाइम पे दिल्ली की जो थोड़ी हालात थे, कंडीशन थी, वो खराब हो गई थी। तो इसका इम्पैक्ट जो है ना मुगल एम्पायर के जो सूबे थे उस पर भी पड़ा। तो बंगाल मुगल एम्पायर के अंदर आता था, तो जाहिर सी बात है इस पर भी पड़ा होगा। तो हम आपसे बात कर रहे हैं मुर्शिद कुली खान की। तो मुर्शिद कुली खान जो भी एम्परर आया है, तो उसने इनकी जो पोजीशन थी, इनकी जो पोस्ट थी, उसको जैसी की वैसी रखा। दीवान थे तो दीवान ही रहे हैं, हाँ थोड़े बहुत है ना चेंजेस आए हैं, लेकिन एज अ दीवान ही रहे हैं। चीजें जब बदली है, जब फरूख सयार है ना एम्परर बने, इनिशियल में इन्होंने भी है ना दीवान की पोस्ट को कंफर्म किया इनकी, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया है, इनको बंगाल का सूबेदार बना दिया। वो क्यों? क्योंकि बंगाल की कंडीशन बहुत चेंजेस आ गए थे, उसके अंदर बहुत कंडीशन बुरी हो गई थी। अब चाहिए थे कि कुछ रिफॉर्म्स हो वहां पे, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत खराब हो गया था, कोलैप्स हो रहा था, इकोनॉमी है ना बहुत डाउन आ गई थी, ये सारी चीजें में इंप्रूवमेंट चाहिए था। तो ऐसा बंदा चाहिए था उन्हें जो इसको है ना बेहतर तरीके से इंप्रूव कर सके और बंगाल को अपने पैरों पे खड़ा कर सके, जिसके लिए बंगाल जाना जाता था। तो फर्रुख सयार को इसके मतलब इनके अलावा कोई बंदा नहीं दिखा, तो उन्होंने क्या किया, इनको सूबेदार बना दिया वहां का। तो हम देखते हैं कि 1717 में ये सूबेदार बन गए, और वहां पे फिर जब सूबेदार बने हैं, सूबेदार मीन्स वहां के गवर्नर बन गए। तो गवर्नर बनने के बाद मुर्शिद कुली खान ने बहुत से रिफॉर्म्स किए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लैंड जो ज्यादातर है ना जागीरों में दे दी गई थी, उसको इन्होंने वापस लेकर आया और खालसा की लैंड में उसको शामिल कर दिया। एग्रीकल्चर में इन्होंने बहुत से लोनों को इंट्रोड्यूस किया, ताकि है ना एग्रीकल्चर को बूस्टअप मिले। जो वहां के आर्टिस्ट थे, क्राफ्ट था, जो ज्यादा पेट्रोनाइज नहीं हो रहा था, उसको पेट्रोनाइज किया, उसको स्पॉन्सर किया। तो और भी ऐसी एक्टिविटीज की है इन्होंने, जिसकी वजह से बंगाल फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो गया। और ये इनकी जो पर्सनैलिटी थी, वो पहले से है ना ये लोगों में पॉपुलर थे, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में ये अपनी मिसाल आप थे। तो हम देखते हैं कि ये सारी चीजों की वजह से बंगाल में फिर से है ना प्रॉस्पेरिटी आ गई थी। लेकिन ये फिर हम देखते हैं कि जब ये सारी चीजें कर रहे थे 1717 में, एज अ बंगाल के नवाब बने थे, या नवाब तो नहीं कहेंगे हम, सूबेदार बने थे, 10 साल तक ये एज अ सूबेदार रहे हैं, और फिर बाद में इनकी मौत हो गई थी। इनका कोई है ना वारिस नहीं था, यानी बेटा नहीं था, तो इनका जो सनी लाओ था, तो वो इनके बाद इनके तख्त पर, इनके मसनद पर, इनकी कुर्सी पे बैठा है।
बंगाल के सूबेदार थे उनका नाम था शुजाउद्दीन। इन्होंने भी देखिए जो मुर्शिद कुली खान ने जो काम किए हैं, तो उन्होंने जो अधूरे रह गए थे काम उसको इन्होंने पूरा किया, बंगाल को और प्रोस्पेरियस बनाया है इन्होंने। तो इनका एक फ्रेंड सर्कल था जिनमें अली वर्दी खान, हाजी अहमद, ये दोनों भाई थे, आलमचंद, जगत सिंह, जगत सेठ फतेहचंद, ये वहां के फेमस बैंकर थे। तो इन्होंने क्या किया है, जो अपने करीबी जो फ्रेंड सर्कल था उनको है ना बड़ी बड़ी पोस्ट दी है, ताकि है ना एडमिनिस्ट्रेशन है ना स्मूथ चले, अच्छे से चले और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में रहे। इनके टाइम पे ऐसा बड़ी चीज नहीं हुई है, लेकिन हम देखते हैं कि बंगाल कभी भी है ना मुगल एम्पायर से कटा नहीं है। वो ऑटोनॉमस था लेकिन लीगली है ना वो एम्पायर को एम्पायर मानते थे। ये जो हम कहते हैं ना सालाना जो एनुअली जो खिराज हुआ करता था, वो है ना मुगल एम्पायर को वो पहुंचा दिया करते थे। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया था, जब मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह था तो रंगीला, उसको उन्होंने है ना खिराज दिया करते थे। तो इसने है ना इनको असद जंग का टाइटल दिया था, और फिर ये अच्छी सर्विस किया कर, अच्छा काम कर रहे थे बंगाल में, तो इनको बिहार वगैरह भी इनको बंगाल में एज वहां का भी सूबेदार बना दिया था, ठीक है ना। फिर बाद में हम देखते हैं कि बिहार उड़ीसा भी बंगाल के अंडर में आ जाता है। तो इस टाइम पे क्या हुआ है पता है, इनके टाइम पे मतलब ये जो शुजाउद्दीन है इनके टाइम पे है ना अली वर्दी खान जो है ना इमर्ज होके आते हैं। ये इनिशियल में है ना एज अ छोटे पोस्ट पे काम कर रहे थे, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि इमर्ज होके आते हैं। बाद में हम देखेंगे ये बंगाल इनके हाथ में आ गया था। शुजाउद्दीन के बारे में एक और चीज जो मैं आपको बता दूं कि ये एक फेमस है अपने वर्क की वजह से, कि इन्होंने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है बंगाल में लोगों को। वो होते हैं ना पॉलिसी के गड्ढे करना, गड्ढे भरना, गड्ढे करना, गड्ढे भरना, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। ये भी ऐसे ही काम किया करते थे कि लोग है ना भूखे ना मरे, गवर्नमेंट है ना उनको कुछ ना कुछ खिलाए। तो ऐसे ये काम किया करते थे कि बंगाल में है ना कंस्ट्रक्शन के या जो भी है ना सरकारी काम है, गवर्नमेंट के काम है, वो कुछ ना कुछ किया करते थे ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। लोग है ना एम्प्लॉयमेंट उनको रहेगा तो उनकी है ना फिर वो खुश भी रहेंगे और वो प्रोस्पेरियस भी रहेंगे। तो इसलिए इन्होंने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट के अलग अलग काम इन्होंने शुरू किए थे, तो इसकी वजह से ये फेमस है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो गवर्नर है या जो सूबेदार है उनका नाम था सरफराज खान। सरफराज खान शुजाउद्दीन के बेटे थे, इनके अंदर इसेंशियल क्वालिटी नहीं थी, तो ये है ना अच्छे या इसीलिए अच्छे रूलर नहीं थे, तो इनको है ना तख्त से उतार दिया गया था। किसने उतारा था, अली वर्दी खान ने। तो अली वर्दी खान ये एम्बिशियस बंदे थे, इन्होंने क्या किया था, जब ये है ना ये अली वर्दी खान उस वक्त बिहार में थे, तो ये बिहार में इन्होंने अपनी अच्छी पावर जमा कर ली थी और इनको चाहिए थी तख्त। तो इन्होंने देखा कि सरफराज खान के अंदर क्वालिटीज नहीं है, तो मैं इसको आसानी से गद्दी से उतार सकता हूँ। तो वो अपनी फौज लेकर आए थे, बेटल ऑफ गढ़िया हुई थी। बेटल ऑफ गढ़िया जो सरफराज खान और अली वर्दी खान के बीच में हुई है अप्रैल 1714 में, जिसमें सरफराज खान हार गए थे और अली वर्दी खान जीत गए थे, और बाद में अली वर्दी खान है ना बंगाल की जो कुर्सी है उस पर बैठ गए थे, बंगाल की मसनत पे बैठ गए थे, और वहां से फिर है ना एक नई डायनेस्टी निकली है अली वर्दी खान के नाम से। नेक्स्ट जो है ना बंगाल के गवर्नर या सूबेदार है उनका नाम है अली वर्दी खान। जैसा हमने आपको बताया है कि बिहार से निकले थे अपनी फौज लेकर, और गढ़िया में है ना सरफराज खान को हरा के मसनद को हड़प लिया था इन्होंने। तो बाद में हम देखते हैं कि जो दिल्ली में एम्परर थे शाह मोहम्मद शाह, उन्होंने भी क्या किया था, अली वर्दी खान की जो सूबेदारी थी उसको कन्फर्म कर दिया था। तो इसके बदले में इन्होंने बहुत सारी पेमेंट दी थी मुगल एम्परर को। तो ये है ना बड़े बेहतरीन एम्परर सूबेदार थे बंगाल के। इनका टाइम है ना बड़ा बेहतरीन पीरियड था बंगाल का। सिर्फ खराब जब हुआ है जब है ना मराठाओं ने हमले किए हैं, तो मराठाओं के हमले जो हुए हैं उसकी वजह से थोड़ा बहुत है ना बंगाल की जो हारमनी थी, जो पीस थी, वो डिस्ट्रैक्ट हुई है, डिस्टर्ब हुई है। बाकी इसको निकाल लिया जाए ये हम लोग को, तो इनका टाइम है ना बेहतरीन दौर है बंगाल का। अच्छा, बंगाल पे जब है ना मराठों ने हमले किए हैं, तो इसका जो फायदा हुआ ना अंग्रेजों को हुआ है। अंग्रेज जो कलकत्ता में और कलकत्ता के इर्द गिर्द कासिम बाजार
और इर्द गिर्द और इनके फैक्ट्रीज थी, तो वहां पे इन्होंने क्या किया था, जो लोग है ना भाग भाग के जा रहे थे, जो मर्चेंट थे, ट्रेडर थे या बड़े घराने के लोग थे, तो इनको इन्होंने शरण दी थी मराठाओं के हमले से, प्रोटेक्शन दी थी। तो लोगों में ये फेमस हो गए थे, लोग ये समझते कि देखो कितनी अच्छी अंग्रेज हैं, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्ट फायदा अंग्रेजों को हुआ है। अली वर्दी खान के बारे में देखो यहाँ पे कुछ डिटेल है, मैं इतना बता दूं आपको कि हम ये नहीं जानते कि अली वर्दी खान या उनके खानदान वाले, उनके फैमिली वाले कहाँ से आए हैं। बस इतना अंदाजा है कि ये भी बाहर से, ईरान वगैरह से आए थे, इंडिया में सेटल थे, साउथ इंडिया में कहीं ये रहा करते थे, डिक्कन वगैरह में, यहीं पे इन्होंने सर्विस की थी इनिशियल में। बाद में हम देखते हैं इनके जो पूर्वज है वो दिल्ली वगैरह भी गए थे, लेकिन कहीं पे वो जॉब नहीं कर सके। फिर ये दोनों भाई है ना, अली वर्दी खान और हाजी अहमद, ये बंगाल आए थे और मुर्शिद कुली खान के अंडर में इन्होंने काम किया। बाद में है ना सरफराज शुजाउद्दीन ने है ना इनको बड़ी सी बड़ी पोस्ट दी है, और वहीं से ये है ना फिर ये एज अ पावरफुल बने हैं, इमर्ज होके निकले हैं, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पे थोड़ी बहुत और डिटेल है इनकी, ये आप पढ़ सकते हैं। बंगाल के जिस वक्त अली वर्दी खान सूबेदार बने थे, तो इनके सामने कुछ चैलेंजेस थे जिनको इन्होंने बहुत अच्छे से टेकल किया है। जैसे कि बंजारों का टर्बुलेंस था, उसको खत्म किया, उड़ीसा को इन्होंने सब्जुगेट किया था, इसके अलावा और पठानों का भी आप मसला था, तो उन्होंने ये सारी चीजें है ना टेकल की थी, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे। तो और बंगाल में ना प्रोस्पेरिटी को मेंटेन किया था, जैसा कि हमने ये कहा है आपको कि मराठाओं के हमले हो रहे थे, जिसकी वजह से है ना थोड़ी बहुत वहां की बंगाल की है ना हारमोनी और पीस जो है ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ था, डिस्टर्ब हुआ था। तो वो किस तरीके से हुए थे और कब तक हुए थे, किसने किया था, थोड़ी सी कहानी में है ना 2 मिनट में आपको है ना पूरे डिटेल के साथ बता देता हूँ चीजें। तो समझिए इस चीज को, जब मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां तो डिटेल के साथ सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ पे क्या था, पूना है, पूना में है ना पेशवा थे, मराठा कॉन्फेडरेसी थी, ऊपर सिंधिया थे, यहाँ पे होलकर थे, गायकवाड़ इधर थे, इधर पवार भी आते हैं कहीं पे, और यहाँ पे जो थे पूना नागपुर में वो थे भोंसले। तो इस तरीके से कॉन्फेडरेसी बनती थी मराठाओं की, ठीक है ना। तो हमले जो किए थे, हमले देखो पेशवा जो थे ना वो पेशवा सेंटर पावर थी, लेकिन ये सारे के सारे एज ए इंडिपेंडेंट वर्क किया करते थे। तो हमले यहाँ से हुए हैं, नागपुर से पहला हमला हुआ है 1741 में, भास्कर राव ने लीड किया था लेकिन अली वर्दी खान ने उसको रिपल्स कर दिया था। सेकंड हमला इसके बदला लेने के लिए किया था रघुजी भोसले ने, रघुजी भोसले ने हमला किया है यहाँ पे। तो इसी के साथ में हम देखते हैं कि पूना से पेशवा ने भी हमला कर दिया नीचे से। ये देखिए इनका हमला अलग था, इनका हमला अलग था, पेशवा का हमला अलग था, भोसले का अलग था। तो यहां पे है ना अली वर्दी खान ने क्या किया है, इनसे बात कर ली पेशवा से, और पेशवा को कुछ है ना पेमेंट दे दी 12-15 लाख रुपए कि भाई देखो आप आपकी फौज लेके चले जाओ और हम है ना आपको क्या कर रहे हैं पेमेंट दे रही है। लेकिन हमको मसला क्या है, हमको है ना इनसे, तुम्हारे इनसे मसला है भोसले से, तो आप है ना हमारी भोसलों के अगेंस्ट हमारी मदद करो। तो देखिए क्या चल रहा है, पता है ये मराठा ही है, लेकिन अली वर्दी खान ने बात किससे की है, बात की है पेशवा से, और पेशवा से मदद ली है किसके अगेंस्ट, भोसले के अगेंस्ट। तो दोनों ने मिलकर है ना भोसलों को पीछे धकेल दिया था, ये हमें मिलता है। फिर भोसलों ने क्या किया, फिर से है ना ये सारी चीजें हुई है ना, फिर से उन्होंने है ना और अटैक किया, तो हमें मिलता है कि फिर से 43 में 1744 में और अटैक हुआ, फिर 1744 में और अटैक हुआ, तो ये फेल मार गए थे सारे अटैक। फिर लास्ट अटैक जो हुआ था ना भोसलों ने ही किया था, वो किया था 1748 में। 1748 का जो अटैक था वो बड़ा खतरनाक था, बहुत मुश्किल अटैक था। तो ये जो अटैक हुआ है ना, तो इसमें फिर है ना अली वर्दी खान को पीछे हटना पड़ा, और अली वर्दी खान को पीछे हटके अली वर्दी खान को फिर इनके साथ क्या करना पड़ा, एक ट्रेटी करना पड़ा, और ट्रेटी में ये साइन हुआ है कि यहाँ पे जो रिवर जा रही है सुवर्णरेखा, इसको बाउंड्री मानी जाएंगी, इसके इधर आप नहीं आएंगे, ठीक है ना। और साथ में है ना ये जो उड़ीसा था, तो ये है ना ये सीट कर दिया गया, दे दिया गया है नागपुर को, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारा मसला खत्म हुआ था, ये अटैक हुआ था जिसका मैंने आपको कहा है कि इसका इम्पैक्ट जो पड़ा है ना पब्लिक पे पड़ा है, वहाँ के किसानों पे पड़ा है, ट्रेडर्स मर्चेंट्स पे पड़ा है, और इसका फायदा अंग्रेजों को हुआ था, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ।